गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं बनी हूँ मंकी, तन्नू की कैप पहनी। जोकर ऐसी लग रही हूँ क्या? तो भाई बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, इस वजह से मैंने तन्नू की मंकी कैप पहन ली है। वैसे ये तन्नू की नहीं है, तन्नू की दादी की थी तो उन्होंने मुझे तन्नू को दी, तो तन्नू से मैंने ले ली। क्योंकि तन्नू के पास है ना दो तीन नई, तो सुबह मेरी हो गई है नीतू दी के साथ, नीतू दी के घर पे टॉफी खा रहे हैं। बड़ा है, चलो वहां पे खड़े हो जाओ सब। तन्नू से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। अरे ये तो सब बड़े हो गए। ये तन्नू बड़ी हो गई। तन्नू अच्छा बहन मरो मारा। मैं तन्नू में बच्चा मारो तन्नू आसुरों बुमार। तो गाइस दिन के खाने का टाइम हो चुका है और आप लोग मुझे ऐसे देख के हंसी आ रही होगी ना। गैस मैं क्या करूँ, कल से मतलब मुझे इतना कमर में दर्द हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है, तो मैं हेल्थ के साथ वो नहीं कर सकती। ठंडा बहुत है, फैशन के अखाड़ में पहन लो, पैक हो जाओ पूरा। तो इसमें एक तो ऐसा है कि ना ये खुला नहीं है, तो इधर से हवा नहीं जा रही है। तो आज मैंने हाईनेक नहीं पहन रखी ना, तो इसमें हवा हवा कहीं से घुस नहीं रही है, एकदम तो बंद साइड सा हो रखा है, तो अच्छा लग रहा है। तो गैस अभी मेरा खाना बन रहा है, आज मैं बना रही खुस का कढ़ी, वही गुड़ भात और कढ़ी। क्योंकि गुड़ वाला भात जो होता है वो बहुत गर्म होता है, और उसमें मेवे वेवे डाल दो और का गरम खड़े मसाले डाल दो तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है वो। तो वो बन चुका है मेरा, और साथ ही बना रखी है आज मैंने कढ़ी। तो देख सकते हैं कढ़ी भी मेरी लगभग तैयार हो चुकी है। क्या बना रही हो? है? क्या बना सकती हूँ मैं? ची 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 ची, गंदा धनिया का डंडा। क्या बना रही हूँ बताओ? नहीं तन्नु सुनो, मैं क्या बना रही हूँ? मीठी भात, मीठा भात। छीका दिया दोस्तों, बहुत ठंडा हो चुका है, कब आएगी तू? तो गाइस अभी तन्वी ने बस दिन भर ये चिप्स खोलने हैं और ये खाने नहीं है। देख सकते हैं, देखिए गाइस एक मिनट में दिखाती हूँ आप लोग। वो जो एक चीज चिप्स का पैकेट खोली, देखो एक अभी खोला, ये नहीं खाया इसने। फिर कल एक ये खोला था, ये भी नहीं खाया इसने। फिर ये क्रैक्स वाले रिंग्स खोले थे, ये देखिए ये भी नहीं खाए। ये आधे छोड़ छोड़ के ऐसे छोड़ दे रही है। क्यों कर रही हो ऐसा तुम? तो मिर्ची हो रही, तो मैंने तुमसे पहले ही बोला था तन्वी इसमें मिर्च है, इसको मत खाओ। फिर क्यों खोल रही हो तुम? तो मिर्च वाले मत खाओ ना, मैंने तुमसे बोल दिया जो मिर्च वाले हैं तो उनको मत खाओ। तो मामा लाया तो कोई बात नहीं, तुम नहीं खाओ ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छे वाले ले आऊंगी। गुंडा बच्चा। तो वैसे भी आज संडे है तो हमारे यहाँ चावल बनता, पर आज अमित का ऑफिस है। तनु कुकर में हाथ नहीं लगाओ, गर्म है, इसमें है बेटा, अभी सीटी निकल जाएगी ना तब मैं निकालूंगी। पर आज अमित का ऑफिस है संडे के दिन में, इसलिए आज दाल चावल नहीं बनाया है। नहीं तो वो नहीं खाते ये गुड़ वाले चावल, उनको तो दाल और चावल ही चाहिए। तो आज वो ऑफिस जा रखे, तो हमने सोचा हम तो बना ही लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ वो नहीं खाते ना तो हम उनकी पीठ पीछे बनाते हैं ठंडे में। देखिए मैडम मत खाओ, ठंडा हो रहा है। ठंडा होता है केला बहुत ज़्यादा। खुशका एंड कड़ी तैयार हो चुकी है, एंड अब गर्मा गर्म खाएंगे। तन्वी तो खाली खुशका खाती, क्योंकि उसको गुड़ भात, मीठी भात ना, मीठी भात बहुत पसंद है आपको। तो तन्वी तो खाली मीठी भात खाएगी और हम खाएंगे कड़ी के साथ। देख सकते हैं दरवाजे दरवाजे सारे बंद कर रखे हैं, क्योंकि बाहर ऐसा मौसम हो रखा है कि क्या बताएं हम। तन्वी के साथ बैठ के सिंचन देखूंगी और खुशका कड़ी खाऊंगी। तो गाइस आज हमने पूरा दिन बिस्तर में निकाल लिया और शाम हो चुकी है, अमित आ गए हैं, तब हम उठे हैं बिस्तर से, क्योंकि ठंडा है, ठंडे में कुछ काम करने का मन तो करता नहीं है, बस दिन भर बिस्तर में रजाई घुसे रहो रजाई में। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय अमित के लिए,
और आज देख सकते हैं दिन भर एक मिनट के लिए बारिश नहीं रुकी है। भाई गजब हो गया, पहाड़ों में पक्का बारिश, वो बर्फ गिरेगी इधर को। तो भाई ठंडा हो रहा है, चाय बनाई जाए, चाय पी जाए। पहले मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सूप, क्योंकि पता ही आप लोगों को इतना ठंडा होता है, तो ऐसे ही गर्मी में सूप वगैरह बना लेना चाहिए, वो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी एंड गली को बहुत रिलैक्स मिलता है। थोड़ा गर्म भी होता है क्योंकि हम उसमें गर्म गर्म चीज़ डालते हैं। आज मेरे पास ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पास क्या क्या है। तो यहाँ पर है टमाटर, और ये है पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर, और ये वो प्याज है जैसे स्प्रिंग ऑनियन्स होते हैं ना वही है। तो प्याज जैसे आजकल घर पे ऐसे हो जाती है देख सकते हैं, तो इसका ऊपर का पार्ट में काट के ऐसे सूप वगैरह में या फिर दाल वगैरह में डाल लेती हूँ। एंड ये ग्रेट करी हुई मेरे पास है अदरक, और ये है लहसुन। ओ इसमें भी प्याज नहीं है, प्याज भी ऐड करूँगी, उसे कट कर लेती हूँ। तो मैंने प्याज भी यहाँ पर काट ली है। सो वैसे गाइस ठंड में कुछ बनाने का मन तो करता नहीं है, क्या करें, लेटे लेटे भी कमर में दर्द हो रहा था, तो सूप बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। यम पैन में हम बहुत ही कम ऑयल लेंगे, बस मतलब ये एक चम्मच होगा, एक चम्मच भी नहीं, तो इतना सा ही हमने ऑयल लेना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, इसी में मैंने अदरक भी ऐड कर लिया है, तो इसका जो भुना हुआ टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड अब इसमें एक एक करके मैं सारे वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ, तो इनको डाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन को छोड़ के बाकी सब वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। तो वेजिटेबल थोड़ी सी पक जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, तो एंड थोड़ा सा इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर, तो मैंने 3 कप बनाना है, तो मैं ये मेरा बड़ा गिलास है बहुत, तो इससे मैं 2 गिलास फुल पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे 2 कप पूरे पानी डाल के इसे अब बॉयल होने के लिए छोड़ देना है, मतलब आप इसे ढक भी सकते हैं, तो मैं ढक के से तक ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा तब तक हम पका लेंगे। तो गाइस देखिए इसमें अभी बॉयल आ गया है, तो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नस्टार्च, तो ये कंपलसरी नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं, इससे बस सूप की थोड़ी सी थिकनेस हो जाती है जैसे मार्केट स्टाइल में। एंड इसको डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए और इसे बॉयल करेंगे। तो ये थोड़ा सा मार्केट स्टाइल हो जाता है, बाकी टेस्ट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी थिकनेस हो जाती है सूप में। एंड लास्ट में अब इसमें हम जो हमने ये बचाए थे ऑनियन के स्प्रिंग ऑनियन, तो ये भी ऐड कर लेंगे। बस इसे बॉईल कर लेंगे एक बार और। यहाँ पे रेडी है हमारा वेजिटेबल सूप, तुम भी आ जाओ पियोगे। तो हम इसे अधिकारी को देते हैं, पूछते हैं उनसे टेस्ट कैसा हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है, बिना चखे। कल वाला अच्छा था कि आज वाला अच्छा है? आज वाला अच्छा है, क्योंकि कल वाला तो मार्केट का था और आज वाला तो मैंने बनाया है, तो मेरा बनाया तो अच्छा ही होगा। क्या थोड़ा सा? हाँ दोस्तों थोड़ा सा जैसे खट्टापन ला रहा हो सूप में, तो आप उसमें विनेगर या एप्पल साइड विनेगर या फिर नींबू का रस ऐसा डाल सकते हैं। अमित तो अपने लिए विनेगर डाल रहे हैं थोड़ा सा, चख लो पहले टेस्ट। हो गया खट्टा? अच्छा। चिली सॉस? चिली सॉस कौन सी चिली सॉस? रेड ऑनियन।
रेड वाली नहीं है, और यार उसे तीखा हो जाएगा। काली मिर्च डाल के सूप को वैसे पियो हेल्दी वे में, क्या टेस्टी वे में पी रहे हो। मैं तो नहीं पीऊंगा मिर्ची वाला। मिर्ची नहीं है बेटो, चखो इसको, चखाओ एक एक चम्मच पी लो भाऊ। लाल वाली चटनी। लाल वाली चटनी, लाल वाली चटनी कौन डालता है सूप में? इससे मिर्ची हो जाती है। हाँ बेटी, बाबू आप पियो एक बार टेस्ट करो। बाबू क्यों बोल रही हो? आप मेरे बाबू नहीं हो? नहीं। कौन हो आप मेरे? तो तन्नू एक बार पियो बाबू प्लीज। पापा तो सब फिनिश कर देंगे फिर। थोड़ा सा चखाओ ऐसे, थोड़ा सा फूक के देना, फूक के देना। गरम नहीं पी, जीभ लगाना। पियो बेटा, जैसे पीते हैं चम्मच से। तुम्हारा गला बैठ रहा है, है? क्या कह रही हो? बहुत टेस्टी हो रहा था, आपने तो चखा भी नहीं। थोड़ा सा बूंद चखा था, तो एक बार पी के दिखाओ प्लीज 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 प्लीज। मिर्ची नहीं है, मुझे मिर्ची लगती है। अरे उसमें मिर्च बिल्कुल डाली नहीं है। मुझे मिर्ची लगती है ना, बोल दिया तो बोल दिया। दादी अम्मा, आप हो दादी अम्मा, आप हो दादी अम्मा। तो गाइस आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, सोए सोए लेटे लेटे लड़ाई में। एंड तन्वी देखिए सो चुकी है, उसको आज शाम से थोड़ी सी खांसी हो रही है, तो अभी विक्स वगैरह लगा के सो चुकी है। एंड अब मैं अभी सो जाती हूँ, नींद आ रही है। नींद दिन में सोए नहीं है, खाली बस से लेटे थे कम्बल में। एंड ठंडा बहुत हो रहा है गाइस, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।